बड़े अच्छे नतायज, पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिला है हिंदुस्तान की हाई कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब ये टेकल केस होने जा रहा है हिंदुस्तान की हाई कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्स्ट एवर स्टेप लिया है गुलाम हैदर की केस में, और उन्होंने भी अश्योर कराया है कि उनकी जो मिसिंग पर्सन की जो कमेटी बनी हुई है, और ये जो इनसाइड आउटसाइड जो कंट्रीज के जो फॉरेनर्स होते हैं उनके मामला की जो कमेटी, उस केस को परसू करेगी, हमें एश्योरेंस मिली है। इंशाल्लाह जल्दी ये इसके मामला जो है वो हल तो होते हुए नजर आएंगे, बच्चे गुलाम हैदर के पाकिस्तान में डिपोर्ट जरूर होंगे। उसके साथ जो बड़ी आज की खुशखबरी थी कि हमने वो केस डिक्लेरेशन का जीत लिया, जो सीमा हैदर का जो सबसे बड़े में बड़ा क्लेम था कि गुलाम हैदर ने उसको तलाक दे दी है, वो उसकी बीवी नहीं थी इसलिए उसने पाकिस्तान छोड़ा, उसका वो झूठ जो है मिट्टी में मिल चुका। वो हमने देखा कि वो हमने डिक्लेरेशन हमें मिल चुकी है, उसके डिक्लेरेशन के बाद डायरेक्शन जो है नादरा को, सिंध गवर्नमेंट को दी गई कि इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है गुलाम हैदर का वो बना के इनके हाथ में दिया जाए। तो आज जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है हमारे हाथ में है, और हम वो केस जीत चुके, मैरिज सर्टिफिकेट हमें मिल चुका। ये इस बात की तस्दीक करता है कि गुलाम हैदर की जो सीमा हैदर के साथ अभी इस वक्त भी शादी है, निकाह में है, वो सेक्शन 5 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये सीमा हैदर की जो सबसे अहम पिल्ली थी पाकिस्तान छोड़ने की, हिंदुस्तान दाखिल होने की, गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दिया, तो वो पिल्ली उसकी खत्म हो चुकी है। वो इस वक्त भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के वो दस्तावेज जो जारी करता है उसके मुताबिक गुलाम हैदर की बीवी है, और इस वक्त भी वो जायज ताल्लुकात, कानूनन ताल्लुकात जो है गुलाम हैदर के साथ उसके जारी हैं। जी भी वो जैसे कि आप सुन रहे थे, बहुत बड़ी 12 मिनट है और एक किस्म की, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक किस्म की जीत है, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं कि हैदर भाई भी बहुत मुतमिन नजर आ रहे हैं, जो वो इनके चेहरे के तासरात आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की ये मेहनत है, बहुत बड़ी काविश है, बड़े लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं। डॉक्टर रोशन साहब अपने चैनल पर भी आपको अपडेट्स देते रहते हैं, और डॉक्टर साहब कोई लास्ट मैसेज जो हमें लोग मोहब्बत प्यार दिखाते रहते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें इंडिया से बहुत सारे हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज तक ये एक तवील सफर था 7 से 8 महीने का, और इंशाल्लाह ये सफर जो है अब खत्म होने को जा रहा है, हैदर भाई के बच्चे जो है वापस आएंगे, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदें तो जुदा जरूर हुई हैं, लेकिन हमारे जो दिल हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक जोग्राफिकली जो बेल्ट है, तो हम कभी भी उनको अलग खुद से नहीं समझते, वो बड़ा प्यार दिखाते हैं। सिफारती ताल्लुकात हिंदुस्तान पाकिस्तान के यकीनन खराब हैं, उनसे हमारा इंडिविजुअल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो दो स्टेट का मामला है, वो अपनी जगह पर जरूर है। तो वो बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं हमसे, इस गुलाम हैदर के मामले पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत का, बड़े दिल खुलूस का उन्होंने इजहार किया है, तो मैं बड़ा उनका थैंकफुल हूँ, बड़ी मोहब्बत दिखाई है, और उनकी मोहब्बत देखते हुए हमारी जो उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बतें थी वो डबल हो चुकी हैं, ज्यादा हो चुकी हैं। तो उनसे बस यही है कि सिफारती ताल्लुकात भले ही दोनों स्टेट के खराब हों, लेकिन हम इंडिविजुअल्स का आपस में जो है प्यार मोहब्बत वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारा बेल्ट एक है, ज्योग्राफिकली हम साथ हैं, हमारी रीतें रस्में कस्टम्स हमारे एक हैं। तो इस हवाले से बस मोहब्बत का पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए, इंसाफ का पैगाम है। जैसे कि मैं कानूनदान हूँ, तो आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि कानून की पासदारी करें, चाहे वो स्टेट की तरफ से कानून हो या वो जो कस्टम्स हो, तो उनका भी आपने ख्याल करना है, अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन समेत मुख्तलिफ जितने भी आपके कानून, उनका एहतराम करना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों पे शफकत रखनी है, मोहल्ले वालों का ख्याल करना है, आपने अपना ढेर सारा ख्याल करना है, बस ये मेरा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोहसिन भाई क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र कैस भाई, हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। लोग मुझे जानते तो हैं, कैस अली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप हमारे दिलों में रहते। मैंने सिर्फ एक पैगाम देना था सीमा हैदर को, जी जी, वो ये देना था कि तू अब रात को भी उठती होगी ना तो देखती होगी अल्लाह उन्हें क्या अपलोड किया। जी जी ठीक है, बहुत लोग देखते हैं। हाँ, और एपी सिंह तो नींद की गोलियां आप खाना उसने शुरू कर दी होंगी, ठीक है, तो हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बच्चे पाकिस्तान में वापस आएंगे, बच्चे मुस्लिम है इंशाल्लाह, ठीक है, और ये केस खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने लगा, तू 90 साल की भी होगी ना, तेरे ऊपर वी लॉग मेरा जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल जी, भाई है, गुलाम है, इधर आ यार, आ जा, आ जाओ जी, हैदर भाई साथ आ जाए, ये हमारा भाई है, बिल्कुल ठीक है, और
जितने पाकिस्तान के वालदैन हैं और इंडिया में जितने लोग हैं सबके दिल इसके साथ जुड़े हुए, क्योंकि वालिद कमाई करता है, मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, और सारे इसके साथ हैं इंशाल्लाह। इंडिया से बहुत लोग हैं, सूर्या वर्मा साहब हैं, ऐमन रिजवी हैं, आस्था माँ हैं, नंदा भाई हैं, बहुत लोग हैं मोहब्बत करने वाले। तो इंशाल्लाह सीमा अपनी तैयारी पकड़।